प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय अपने व्यापारी बंधुओं को लेकर है, अंग्रेजी में कहें तो बिजनेसमैन। अब वो आपका बिजनेस छोटा हो अथवा बड़ा हो, बिजनेस तो बिजनेस होता है। अगर आपको आपके बिजनेस में किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो रही हो, परेशानी इन द सेंस ऑफ दैट कि लग रहा हो कि बंधन है इस पे, ग्राहक आते हैं लेते नहीं हैं, या कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, या किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, अगर आप अपने आउटकम से, मतलब जो आउटपुट आपके पास आना चाहिए, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और आपको लग रहा है कि इस पे कुछ ना कुछ तो है, कि हम अपना एफर्ट पूरा कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ये आवश्यक वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज के समय पर हर चीज़ पॉसिबल है। व्यापार का बंधन पॉसिबल है, या आपका बंधन हो सकता है इसमें, आपके कस्टमर्स का बंधन हो सकता है, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब हर तरह से आपके व्यापार को बांधा जा सकता है। कोई दोष हो सकता है, कुंडली में कोई दोष हो सकता है, या आप पे पितृ दोष हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका निवारण आवश्यक होता है। तो उनके निवारण के लिए क्या करना चाहिए आपको, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे और इस वीडियो में आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, व्यापार से संबंधित जो भी बंधु हैं, जो भी लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि व्यापार बंधन या व्यापार का न चलना आपको कब लगे कि हाँ परेशानी है, हमें उपाय करवाना चाहिए। आपके यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, अगर डायरेक्ट आपका सेलिंग का काम है तो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा है आपका। आप मेहनत खूब कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, कि आपको उम्मीद है कि यार कम से कम 1,00,000 का तो इस महीने बिजनेस होना चाहिए। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, 1,00,000 का तो बिजनेस होना चाहिए, पर पता चला 10,000-20,000 जाते जाते काम खत्म। आपके यहाँ कमी किसी चीज़ की नहीं है, या कस्टमर्स ही आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट ही आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत पूरी है पर रिजल्ट आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको ये अनुभव होना चाहिए कि कुछ न कुछ तो दिक्कत है। अब दिक्कत क्या हो सकती है, आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद न हो, पितृ तृप्त न हो, तब हो सकता है। आपके इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता नाराज हो सकते हैं उस समय पे। इसके अलावा आपका जो तांत्रिक कार्य होते हैं, बंधन, आपका बंधन हो अथवा आपके व्यापार का बंधन हो, और चौथा आपकी कुंडली में कोई दोष हो। तो ये चार चीजें होती हैं मुख्य रूप से, जो कि आपका चलता फिरता बिजनेस बर्बाद कर सकती हैं, आपको लखपति से रोडपति बना सकती हैं। तो इन चारों का उपाय क्या है, सबसे पहले मैं बात करूंगा पितृदोष के बारे में। देखिए, पितृदोष ये शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में ये चीज आया होगा, अरे मैं तो तर्पण पूरा करता हूँ, तर्पण करता हूँ, नियम का फॉलो करता हूँ, हर चीज करता हूँ। बिल्कुल आप करते हैं, आप तर्पण करते हैं, हर चीज करते हैं, परंतु होता क्या है। अब देखिए, तर्पण बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पिताजी नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, अथवा आपका कोई भाई या चाचा, कोई रिलेटिव में, मतलब आप ही के पुश्त में, आप ही के समय का अगर कोई नहीं है, आपने उसे जल दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया। अब बाकी लोग कौन। देखिए, होता क्या है कि कम से कम अगर आपको जल देना है तो 3 पुश्त माता की तरफ, 3 पुश्त पिता की तरफ आपको चलना है। अब पिता माता की तरफ देखिए, आपके परनानी हो गई, फिर परनानी, परनाना, फिर नानी, नाना, फिर मामी, मामा, ये हो गए। अब बाबा, अब अगर अपने पिताजी की तरफ आएंगे तो पर बाबा हुए,
ठीक है, फिर उसके बाद आपके पर बाबा दादी हुए, फिर बाबा दादी हुए, अगर चाचा लोग में से कोई मिसिंग है तो वो हुए, फिर इस तरह से इसमें चलता है। आप जितनी लंबी ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए, और आपको आपके वंश वृक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सनातन धर्म से हैं मतलब हिंदू हैं, तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये गर्व की बात है, आपको आपका गोत्र पता होना चाहिए, आपको अपनी कुल देवी देवता का नाम पता होना चाहिए, आपको अपनी कुछ नहीं तो चार पुस्तों के नाम तो पता ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें गर्व की बात होती हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इन लोगों को हम दे रहे हैं, अब आपको जल देते वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए होता है कि भाई और भी लोग जो हमसे जुड़े हैं उनके नाम पे भी हम जल दे दें जो इस दुनिया में नहीं है, फिर अज्ञात पितरों के नाम पे भी जल दें। तो वैसे केवल जल से ही नहीं ये चीज़ें होती हैं, आपको करना क्या चाहिए अगर आप सुचारू रूप से चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस चले। तो मेरी राय में जो शास्त्र भी कहता है आपको साल में 3 इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कम से कम 3 तो कर ही देनी चाहिए। पहला आपको जो पितृपक्ष आते हैं उसमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए, मतलब त्रिपिंडी श्राद्ध तो जरूर कर दें आप, हर साल कर दें, हर साल नहीं कर पा रहे हैं हर 2 साल में कर दीजिए आप, लेकिन करिए। अब हर साल आपको क्या करना चाहिए, हर साल आप करिए महाविद्या अनुष्ठान करवा लीजिए। आप 101, 151, 351, 500 ये सब बड़ी पूजाएं नहीं करवा पा रहे, छोटे स्तर पे आप करवा दीजिए। आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, आपके जो पुरोहित हैं, आपके जो पंडित जी हैं, जो भी हैं जिनसे आप बात करते हैं उनसे बात कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए, संकल्प लेके आप करवा लीजिए। वैसे अगर कोशिश करिए आप वहाँ पहुँच जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। महाविद्या तो आवश्यक होती है, अति आवश्यक होती है, हर किसी व्यक्ति को साल में एक बार महाविद्या और रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। आप ये करवा के देखिए, अगर आप ये चीज़ें करवाते हैं तो आप पे पितृदोष जो है वो समाप्त होता है, पितृ खुश होते हैं उससे, त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ, महाविद्या हुआ और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ, पितृ खुश होंगे। अब जैसे महाविद्या है, कोई उग्र शक्ति है आपके ऊपर, कोई प्रेत साया है, किसी ने कोई बंधन किया, तुरंत वो कटाक्ष उसका हो जाता है। तो ये चीज़ें हर साल आपको करवानी चाहिए। महाविद्या के बारे में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो पे नहीं बोलूँगा क्योंकि ये गुप्त और बहुत जटिल चीज़ें होती हैं जिनका वीडियो पर इस तरह से उल्लेख करना नहीं चाहिए, सो मैं इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं करूँगा, केवल बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें आपको अवश्य करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, कुल देवी देवता आपको अपने बुजुर्गों से बात करके उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, कौन है कुल देवी देवता नहीं पता है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो घर में मंदिर है, भले छोटा सा मंदिर है, वहाँ एक छोटा सा स्थान रखिए कुल देवी देवता का, इष्ट देवी का, इष्ट देवता का, छोटा सा स्थान रख लीजिए, मतलब वो जगह चुन लीजिए कि ये कुल देवी ये देव इष्ट देव देवता है, तो वहाँ पे रोज पुष्प चढ़ा लिया करें, उनको प्रणाम कर लिया करें, भले आपको नाम नहीं पता, आपको नाम पता चल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इस तरह से आप कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई बंधन तो है, तो उसके लिए फिर आपको अपने पंडित जी से मिलना चाहिए, किसी न किसी योग्य ब्राह्मण से मिल लेना चाहिए, उसमें आपको बहुत से ऐसे उपाय होते हैं वो करने चाहिए। अब सबसे छोटी चीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, सबसे छोटी मतलब आपको आपका व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, आप सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप चाह रहे हैं इसमें और बरकत हो, तो भी आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। सारी बातें घूम फिर के यहीं आएंगी, रुद्राभिषेक पे आएंगी, महाविद्या पे आएंगी, ठीक है, इसके अलावा आपके त्रिपिंडी श्राद्ध पे आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा व्यापार इन्हीं से कोरिलेट कर रहा है, यहीं पे आके रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा कनक धारा स्त्रोत, इसका आपको अनुष्ठान करवाना चाहिए, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवा लीजिए, बहुत उत्तम फल आपको मिलेगा, हद से ज़्यादा उत्तम आपको फल मिलेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि फॉर द एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो ईमान के चलिए उसका 10 गुना आपको आउटपुट भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा।
सो ये कुछ चीज़ें जो करवाने चाहिए आपको। अब बात करते हैं कुछ छोटे उपायों के बारे में। छोटे उपाय क्या हैं वो भी जान लीजिए। छोटे उपाय में आपको 15 मुखी रुद्राक्ष या सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, नॉर्मल रुद्राक्ष नहीं। आप करिए क्या कि जैसे होली है, दीपावली है, या कोई भी इष्ट आपका आ रहा है, इष्ट सिद्ध दिन आ रहा है, तो आप पंडित जी से संपर्क कर लीजिए। आप अगर 15 मुखी या और कोई महंगा रुद्राक्ष नहीं ले पा रहे हैं, आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ही लीजिए। पर करिए क्या कि पंडित जी से बोलिए, पंडित जी आप उसे चैतन्य कर दीजिए, पूर्ण अनुष्ठान से, पूर्ण विधि से आप उसे चैतन्य कर दीजिए, और कम से कम माँ के या भोले बाबा के उस पर 11,000 या 21,000 मंत्रों का जाप तो ज़रूर करवा लीजिए, उसके बाद आप उसे धारण करिए। अगर आप धारण नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छा अब जैसे 15 मुखी रुद्राक्ष आपके पास है, तो आप करिए क्या कि उस 15 मुखी रुद्राक्ष को अगर आप शुद्धता के साथ धारण कर सकते तो धारण करिए, नहीं तो अपने बिजनेस के जहाँ मुख्य सामान आप अपने बिजनेस से संबंधित रखते हैं वहाँ पर ले जा कर रखिए, जहाँ लक्ष्मी गणेश जी को रखा जाता है, आप स्थापित किए रहते हैं वहाँ पर रखिए, रोज पूजन अर्चन करिए उनका, बहुत बरकत होगी, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिसे आपको करना ही करना चाहिए। साथ में बोनस टिप दे देता हूँ कि थोड़ा सा टच आ जा रहा है YouTube बहुत ज़्यादा देखते देखते, तो आप करिए क्या कि कनकधारा स्त्रोत का पाठ करिए, दीपावली आ रही है, 16 उपचार से पूजन करिए, भगवान इनका कुबेर जी का आप आराधना करिए, हो सके तो उनकी साधना करिए, नहीं कर पा रहे हैं नावान मंत्र की साधना कर लीजिए, ये भी नहीं कर पा रहे हैं दुम एकाक्षरी मंत्र कर लीजिए, माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप कर लीजिए। मैं सिद्धि को नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कह रहा हूँ, आप जाप कर लीजिए, माँ काली का जाप करिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर आप परेशान हैं तो ये चीज़ें आप अपने जीवन में लाइए, इस पर विचार करिए। अब मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।